गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी रीड क्लास 6 सब्जेक्ट एसएसटी ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 में सब्जेक्ट एसएसटी में ज्योग्राफी के अंतर्गत चैप्टर 2 लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ग्लोब इज अ ट्रिमॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ग्लोब इज अ ट्रिमॉडल स्टूडेंट, ग्लोब इज अ ट्रिमॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ये जो ग्लोब है, ग्लोब जो है पृथ्वी का जो है एक वास्तविक नमूना, और पृथ्वी की एक मिनिएचर फॉर्म है, पृथ्वी की एक छोटी साइज की हम इसको जो है कह सकते हैं, पृथ्वी की एक छोटी साइज के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। ग्लोब में ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप एस बिग वंस। ग्लोब जो है कई प्रकार के जो है कई आकार और प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि बिग वंस बड़े बड़े प्रकार के ग्लोब विच कैन नॉट बी कैरिड इजीली। ये बड़े बड़े जो ग्लोब होते हैं इनको हम जो है अपने पास रखकर आसानी से इधर उधर नहीं ले जा सकते हैं। स्मॉल पॉकेट ग्लोब, कुछ जो है छोटे ग्लोब होते हैं जिनको कि हम अपने पॉकेट में रख सकते हैं। एंड ग्लोब लाइक बैलून्स, और कुछ ग्लोब ऐसे होते हैं जो कि बैलून की तरह होते हैं, गुब्बारे की तरह ही होते हैं। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड स्टैंड, जो ग्लोब है ग्लोब फिक्स नहीं होते हैं, यानी ग्लोब का जो साइज एंड शेप है, साइज एंड शेप जो है इसका ये फिक्स नहीं होता है। जैसे ये ग्लोब है तो ये जो है मीडियम साइज का ग्लोब है, कुछ ग्लोब जो है इससे बड़े भी हो सकते हैं, कुछ ग्लोब जो है इससे भी छोटे हो सकते हैं, तो ग्लोब की साइज और शेप जो है इसका फिक्स नहीं होता है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज कॉन्टिनेंट एंड ओशंस आर शो इन देयर करेक्ट साइज स्टैंड। ये जो ग्लोब है इस ग्लोब में जो है कंट्रीज देश, कॉन्टिनेंट पूरे जो है महाद्वीप, और जो ओशियंस हैं ये जो महासागर है, ये महासागर उनके करेक्ट साइज में, उनके सही साइज में जो है इस पर जो है दर्शाए गए होते हैं, उनके सही साइज में ग्लोब में ये जो है दिखाए जाते हैं। तो स्टूडेंट ये ग्लोब था। इक्वेटर स्टैंड, अब हम जो इक्वेटर के बारे में पढ़ते हैं, इक्वेटर को समझते हैं। इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इमेजिनरी लाइन हम जो इसमें बुक में देख सकते हैं स्टैंड, ये इमेजिनरी लाइन होती है स्टैंड, ये काल्पनिक रेखाएं होती है, ये काल्पनिक रेखाएं होती है जो स्टैंड, ये जो है काल्पनिक रेखाएं होती है इक्वेटर, जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में ये बांटती है। ये इमेजिनरी लाइन, ये देखिए स्टूडेंट आप इसमें जो है इक्वेटर को समझ सकते हैं, ये इक्वेटर है और जो है ये काल्पनिक रेखाएं हैं, और ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में, नॉर्थन एरिया और साउथन एरिया दो बराबर भागों में इसको बांटती है। नॉर्थन हाफ अर्थ इज नोन एज नॉर्थन हेमिस्फीयर। इक्वेटर के ऊपर का भाग जो होता है इसको हम नॉर्थन हेमिस्फीयर, और इस इक्वेटर के जो साउथ का पार्ट जो होता है उसको हम साउथर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ऑल पैरेलल सर्कल्स स्टूडेंट, इसका जो पूरा पैरेलल सर्किल है, इसका जो समानांतर सर्किल है, देखिए स्टूडेंट जैसे आप इसको देख रहे होंगे, ये नॉर्थ पोल का जो है 80 डिग्री नॉर्थ जो है ये लैटिट्यूड है, तो ये जो लैटिट्यूड यहां से इस प्रकार से जो सर्किल में जो इसका बना हुआ है, इस प्रकार के ये सारे सर्किल जो कि इस इक्वेटर के एक साइड से दूसरे साइड तक जाते हैं, और ये जो है ये सारे पोल जो है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहलाते हैं। लैटिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्रीज, और ये जो लैटिट्यूड होते हैं ये लैटिट्यूड जो है डिग्रीज से नापे जाते हैं। ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थन लैटिट्यूड्स। ये जो सारे पैरेलल्स होते हैं, ये जो इक्वेटर के जो नॉर्थ साइड में
नॉर्थ साइड में होते हैं, ये जो है स्टैंड नॉर्थन लैटिट्यूड कहलाते हैं। और उसी प्रकार जो इक्वेटर के साउथ साइड में जो ये लैटिट्यूड होते हैं, ये सारे लैटिट्यूड साउथर्न लैटिट्यूड कहलाते हैं। स्टूडेंट अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ये जो लैटिट्यूड्स है इसकी इंपॉर्टेंट पैरेलल्स कौन कौन सी हैं? देयर आर फोर इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड स्टूडेंट। नंबर वन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। स्टूडेंट यहाँ पर जो है ये पैरेलल्स जो है लैटिट्यूड ऑफ पैरेलल्स है इसकी जो है चार महत्वपूर्ण लैटिट्यूड ऑफ पैरेलल्स होते हैं। फर्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है स्टूडेंट, ये जो कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री जो है ये नॉर्थ में होती है। सेकेंड स्टैंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है स्टैंड, ये जो है 23.5 डिग्री साउथ होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ होती है। आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री नॉर्थन ऑफ द इक्वेटर। ये जो आर्कटिक सर्किल है स्टैंड, ये आर्कटिक सर्किल जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ में है। और अंटार्कटिक सर्किल स्टैंड, ये जो अंटार्कटिक सर्किल है, ये अंटार्कटिक सर्किल जो है 66.5 डिग्री साउथ में ये है। तो स्टूडेंट ये जो है इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री इन नॉर्थन हेमिस्फीयर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री इन साउथर्न हेमिस्फीयर। अंटार्कटिक आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड अंटार्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री साउथ। ये स्टेट इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड है। हीट जोन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के गर्म भाग या पृथ्वी के वे भाग जहां पर जो है गर्मी अधिक पड़ती है, पृथ्वी के ऐसे भाग जो है जहां पर जो है ज्यादा गर्म होता है, जो पृथ्वी के हीट जोन है, गर्म भाग जो पृथ्वी के हैं, इसमें स्टूडेंट सबसे पहले टॉरिड जोन है। दीज एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड कॉल्ड द टॉरिड जोन। दीज एरिया रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड कॉल्ड द टॉरिड जोन। स्टूडेंट ये एरिया जो है बहुत अधिक गर्मी, सूर्य की किरणों को बहुत अपनी ओर जो है आकर्षित करते हैं। यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है स्टूडेंट। ये जो है टॉरिड जोन है, ये जो है इक्वेटर है, ये भूमध्य रेखा है, और ये जो है भूमध्य रेखा के बहुत ही नजदीक एरिया होते हैं स्टूडेंट। और ये सूर्य की किरणों को जो है अपनी ओर सीधे, इन पे सीधे सूर्य की किरणें पड़ती है, और जब सूर्य की किरणें इन पे सीधे पड़ती है तो ये जो है यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी होती है। और इस गर्मी के कारण ही जो ये जो है हीट जोन कहलाते हैं। यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट टेम्परेट जोन। दीज एरियाज रिसीव मॉडरेट टेम्परेचर, देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन। स्टूडेंट ये एरिया है, स्टूडेंट ये जो एरिया है, ये एरिया जो है सूर्य इक्वेटर से जो है दूर है, और यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती है इस एरिया में, और इसमें सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। और जब यहाँ पर लंबवत पड़ती है तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट ना बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और ना बहुत अधिक जो है इस एरिया में ठंड होती है। इसलिए ये एरिया जो है मॉडरेट टेम्परेचर को स्वीकार करते हैं, मॉडरेट टेम्परेचर को स्वीकार एक्सेप्ट करते हैं, यानी यहाँ पर ना बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और ना बहुत अधिक सर्दी होती है, और इसलिए ये एरिया जो है टेम्परेट जोन कहलाते हैं। नेक्स्ट स्टैंड इसमें फ्रीजिड जोन। दीज एरियाज आर ऑलवेज स्लेंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड फ्रीजिड जोन। These areas always slanting and provides let heat. ये फ्रीजिड जोन है स्टूडेंट, आप बुक में समझ सकते हो ये फ्रीजिड जोन है स्टूडेंट। इसमें ये जो एरिया होते हैं ये इक्वेटर के बहुत दूर है स्टूडेंट। ये देख लीजिए आप नॉर्थन हेमिस्फीयर में भी और साउथर्न हेमिस्फीयर में भी,
और ये जो एरिया तो इक्वेटर से बहुत दूर होने के कारण यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है बहुत कम पड़ती है और यहाँ पर जो है हर समय जो है ठंड रहती है, यहाँ पर बर्फ ज्यादा पड़ती है और ये जो है इसलिए फ्रीज्ड जोन या ठंडे एरिया कहलाते हैं। तो स्टूडेंट हमने जो है ये यहाँ पर हीट जोन ऑफ द अर्थ, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीज्ड जोन के बारे में, संदर्भ जोन के बारे में पढ़ा, तो स्टूडेंट ये हमने समझ लिया है।